घर की है ना तो करने आएंगे। अब वो है मुस्कान दुल्हन, वो है दुल्हन। मामी हटना, मामी थोड़ा हटो ना। हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो अभी हम लोग को जाना था, कल आपको याद होगा कल के ब्लॉग में मैंने अपने कोट पैंट रिसीव करे थे। सो घर पे आया तो डांट पड़ी, पापा बोले थे वहीं ट्राई कर लेते वो यार पैंट, उसमें थोड़ी सी फिटिंग अच्छी है, पूरी कोट की फिटिंग अच्छी है, एक नंबर है। बट जो पैंट है ना वो हल्की सी लेंथ में थोड़ी सी बड़ी है, मतलब मेरे काफ़ी नीचे तक आ रही है, जो कि मेरे को नहीं चाहिए थी। जो मैंने साइज दिया था उसने वो करा नहीं है। तो जाते हैं और वो करवाते हैं, इसका कोट पूरा सही है। और अभी फिलहाल चाचा गए हैं स्कूटी से कहीं काम से, क्योंकि आज चाचा भी रुक रहे हैं, तो हम लोग ये ग्राउंड मार ले रहे हैं और फिर चलते हैं, चाचा आ जाएंगे जैसी। सो गाइस अभी चाचा आए हैं तो चलते हैं पैंट अल्टर कराने। और यार भूख लग रही थी इतनी ज़्यादा तेज, मम्मी भी घर पर नहीं है, मम्मी और लाड़ो दोनों घूमने गई हैं मतलब शॉपिंग पे, और इसलिए मैंने इस तक खाना गर्म कर लिया यार, खा ले रहे, इसने गर्म नहीं करा, मेरा मन नहीं था, मतलब गलती मेरी भी है बट क्या नहीं गरम करना आता है, बट यार कौन करे, सोफे से उठे मूवी देख रहे हैं कौन जाए चक्कर में गर्म, मतलब बाहर देख के कुछ खाएंगे अगर पैसे बच गया, और ये खिलाना चाहेगा क्योंकि मैं गरीब हो चुका हूँ, कंगाल हो चुका हूँ, मिलती थोड़ी देर में आपसे बोल देगा भी। तो गाइस जस्ट अभी हम लोग शॉप पे गए तो उन लोगों ने हमें पता नहीं कहाँ भेज दिया, अभी तो हम लोग पोस्ट ऑफिस के सामने इधर ही डर है, बंदा आ रहा है, मैं और यश तो स्कूटी से आ गए थे, बट वो बंदा पैदल पैदल आ रहा है, इधर ही टेलर है, फिटिंग कराते हैं और चलते जल्दी से। और कुछ भूख भी लग रही है सामने शॉप पे, बट नॉन वेज है स्क्यूज से खा नहीं सकते हैं, कुछ खाते मैच। सो गाइस फाइनली पैंट भी दे दी मैंने फिटिंग के लिए, वो 6 बजे मिलेगी यार, और जिसको ढूंढ रहा था ना मैं बिरयानी ये मिल गई, फाइनली मिल गई मेरे को ये, मतलब वेज बिरयानी होती है, इधर मिल ही नहीं रही थी मेरे को। डीडी पर हम साइड तो सब रखा था यार, कहाँ कहाँ कॉर्नर से इनके ठेले लग रखे, बट यहाँ का याद ही नहीं आ रहा था, बट मिल गया फाइनली मेरे को। खाते और चलते दिखाते हैं आपको। सो गाइस हम लोग घर पे आ गए थे, मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा, फिर मैं और यश वॉक करते हुए पापा की दवाई लेने चले गए, और यहाँ बीच में लड़ाई हो रही थी, इस चक्कर में मेरे को ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। सो गाइस अभी जस्ट जा रहे हैं, जो पैंट अल्टर के लिए दी थी ना वाली पैंट लेने जा रहे हैं, और मून मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है, और फिलहाल अभी हम लोग जाना है, उसके बाद काठी रोल वगैरह खाने भी लेके भी आएंगे, और ये खेल रहा है पता नहीं कैसे खेल रहे हैं, डंडे थे बास्केटबॉल से पता नहीं कैसे खेल रहा है, और ये बच्चों को डरा रहा है, बदतमीज बच्चा ये इससे खेल रहा है, देखो कोई सेंसेंस बात का ले लिया ऑल्टर वाली। और अब चलते हैं कुछ यार खाना पीना खाते हैं और फिर चलते हैं घर, और घर के लिए भी लेना है। कुतुब खाने से डीडी पर हम आए हैं सिर्फ रोल खाने और पैक करने के लिए, तो 4-5 तो घर के लिए पैक हो रहे हैं, एक दो हम खा रहे हैं साल अभी। सो गाइस अनदर डे सेम व्लॉग, मेरा कोई प्लान नहीं था पीलीभीत जाने का, तो यार मैं पीलीभीत जा रहा हूँ, सो क्यों उठाऊँ, बस रेडी भी नहीं हुआ हूँ, फेस वॉश करा है, और चलते हैं पीलीभीत, मिलते हैं फिर पीलीभीत में, तो कार में भी सो ही जाऊँगा। सो गाइस अभी हम लोग पीलीभीत तो आ गए हैं, मैं यार ट्राई कर रहा था सोने का बट सो भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यार गाने चल रहे हैं, डांस प्रैक्टिस चल रही है, और आज मुस्कान की हल्दी भी है, तो इस चक्कर में फिलहाल तो अभी काम मिल गया काफ़ी सारा, तो शॉप चलते हैं मामा की, बर्तन लेते हैं, कुछ बर्तन लेके आने हैं, और मिठाई लेके आनी है ना, बीसलपुर से मिठाई लेके आनी, तो ये सब काम करते हैं। और मेरे को नींद आ रही है क्योंकि मैं 4:30 पर सोया था, 6:30 पर उठ गया था, 2 घंटे की नैप ली है सिर्फ और सिर्फ, लिटरली आंखें बंद हो रही है, थक चुका हूँ, बट जाना है काम करना है यार, कोई नहीं तो चल काम करते हैं, मिलते हैं आपसे, चल दिखाते हैं आपको। तो गाइस शॉप पे भी आ चुके हैं मामा, और अभी सब लोग भाई सब लोग बर्तन वगैरह निकल रहे हैं यार, और फिर चलते हैं मिठाई लेने, चलते हैं घर, डायरेक्ट आपको घर पर मिलता हूँ मैं, क्योंकि अभी इस स्कूटी पर हमको सामान लेके जाना है, यश चला रहा है और मैं लेके जाएगा, तो मिलते हैं अभी, ये खड़ा है, हम लोग नहाए भी नहीं है यार, नहाना भी है, शावर लेना है, क्योंकि पूजा भी स्टार्ट होने वाली है थोड़ी बहुत देर में, हल्दी वगैरह की वही सारी रस्में एंड ऑल, उसके बाद हम दिखाएंगे डांस प्रैक्टिस आज, मतलब हमारा जो गाना है ना पूरा ऑल ओवर 6 मिनट कितने सेकंड का है, 6 मिनट कुछ सेकंड का है, तो वो पूरा आपको दिखाएंगे, गाने तो नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, बट आप इन्जॉय करना प्लीज़। कुछ पूजा हो रही थी हम लोग घर पे आए, और मम्मी भी कन्या वरु की कन्या बन चुकी है, क्योंकि वो मम्मी इस घर की है ना तो कन्या आएंगे, अब वो है मुस्कान दुल्हन, वो है दुल्हन, मामी हटना, मामी थोड़ा साइड हो ना ये है दुल्हन हमारी। सो गाइस मैंने 2 घंटे की नैप भी ले ली, नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और सब लोग यहाँ बैठे मेरे सामने, ये देखो इसकी है हल्दी, हेलो मुस्कान, हेलो मुस्कान, थोड़ा मेकअप दिखा दो अपना, सब पड़े पड़े यहाँ पर, ऐसे नींद आ रही है क्योंकि जो पंडित जी आने वाले थे पूजा करने वो चले गए किसी की शादी करने, तो शादी करवाने करने नहीं, हाँ करवाने गए करने नहीं गए तो अभी अब टाइम लगेगा, सो हम सोच रहे थोड़ा ऑमलेट वगैरह खाया है, अब तक थोड़ा
तो गाइस अभी यार घर पे पंडित जी आने में टाइम था, तो हमने कि यार हमें भूख भी लग रही है, खाना भी बहुत पहले खाया था मैंने सोने के उठ, मतलब उठ के तुरंत खा लिया था। उसके बाद काफ़ी देर को हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, अभी तो अभी ऑमलेट खाने आ गए, खाते दिखाते हैं फिर चलते हैं डायरेक्ट घर पे हल्दी की रस्म, क्योंकि हमारी भी कुछ पूजा है, हमें भी कुछ करना है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ऑमलेट आ चुका है, मैंने थोड़ा सा खा लिया, मैंने ब्लॉग नहीं कर पाया यार, ठीक है। चटनी ये भी बहुत अच्छी होती है, बट यार ये तो भाई कितना टेम्पटिंग लगता है ना, और ये तो देखो मतलब ही नहीं है। पंडित जी भी आ गए, अभी पूजा हो रही है, यस, और हम पूजा करेंगे और फिर स्टार्ट होगा आई थिंक। और सब आ चुके हैं, सब पूजा हो रही है, ये हैं तोरण रानी, मामा मामी उधर बैठे हैं, और इधर पूरा रखी है, ये सब खेल रखी है, मम्मी को तो कुछ पता नहीं क्या हो गया है सब खेल रहे हैं फिलहाल, और यश तो बहुत जल्दी तरीके से बता फिलहाल, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस अभी D10 का टाइम है, और इधर यश का D10 कंप्लीट हो चुका है, वैसे यार इतना मना करा कि चाय मत ले जाओ मत ले जाओ, बट वो चाय तब भी ले आए, ज़बरदस्ती ले आए, कोई नहीं यार पीते हैं और करवाते हैं, यही तो प्यार है मतलब भाई के बीच में मेरे बीच में, और ऐसा एक रिलेशन होना चाहिए यार। गाइस फाइनली सब कुछ हो गया मेरा यार, सब कुछ हो गया है एक नंबर, और यश का भी हो चुका है थैंक्स टू मनोज भाई, ये यार। और आप अगर पीलीभीत में तो इधर आ सकते हैं, ये सैलून का नाम है रॉयल सैलून, जस्ट सो गाइस अभी यार डांस प्रैक्टिस चल रही है, मैं सैलून से आया हूँ, एक बीच में सैलून चला गया था मैं, और अभी घर पे आ गया हूँ, डांस प्रैक्टिस चल रही है, एकदम भसंड मची हुई है घर पे, मतलब सबका है, मतलब 6-7 मिनट का सॉन्ग है, सब कर रहे हैं, मतलब सबका पार्ट है, 30-40 सेकंड का, थोड़ा बहुत दिखाता हूँ आपको मैं, चले भाई सामने तो देखिए हो रही है प्रैक्टिस, यहाँ प्रैक्टिस नहीं कुछ और ही हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये है टीचर, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, बहुत स्मूथली हो रहा है, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा। सो गाइस अभी मामा पिज्जा लेके आए थे, वो भी हमने खा लिया है, और बस ये कचड़ा बचा है, बस कचड़ा, और अभी गाने चल रहे हैं, बात करते हैं हम थोड़ी देर में, ये देखो सो गाइस आज मतलब काफी ज्यादा एंजॉय करा, थक भी गए, नींद मेरी पूरी नहीं हुई है, अभी मतलब फिलहाल डांस प्रैक्टिस ख़त्म होके अभी घर पे आए हैं, और कल भी मतलब काफ़ी बिजी डे होने वाला है, और परसों शादी है, सो और आज का ब्लॉग मेरे को पता भी नहीं कैसा बना है, ऑनेस्टली नहीं पता है, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे को नहीं पता कि मेरा ब्लॉग कैसा बना है, मैं एडिट करूँगा तो पता चलेगा, और फिलहाल मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ, अगर आपने ब्लॉग अगर देखा है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, ओके बाय।